हम में से बहुत कोई चाहता है अपने घर के लिए एक अच्छा टीवी खरीदने के लिए, बट ज़्यादातर क्या होता है, टीवी के जो प्राइजेज है वो बहुत ही ऊपर रहता है। प्राइजेज के बारे में सोचते हुए हम लोगों को डिफ़िकल्टीज आते हैं बहुत सारे कि यार कौन सा टीवी खरीदे आखिर में बहुत ही अच्छे प्राइस में, जो कि सब कुछ अच्छे फीचर्स के साथ देखने को मिल जाए। पर क्या आपको पता है अमेजॉन ग्रेट इंडियन डे जो फेस्टिवल चल रहा है उसमें जो टीवी के डील्स मिल रहे हैं लगभग ऑलमोस्ट बहुत ही सस्ते प्राइस में देखने को मिल रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कौन से वो टीवीज है जो 32 इंच के अंदर आते हैं और उनके अंदर कौन सा ऐसा टीवीज है जो कि बहुत ही अच्छे खासे सस्ते दाम में मिल रहे हैं, इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस करने वाले। वीडियो को अंत तक पूरा देखना। अगर आप भी बहुत ही दिनों से सोच रहे थे कि एक अच्छा टीवी खरीदना है 32 इंच में जिसके अंदर आपको बहुत ही सारे अच्छे खासे फीचर्स और वो स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी हो, तो इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा बेस्ट टीवी होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोजॉयलॉजी। हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हमारे चैनल के अंदर ऐसे ही सेल रिलेटेड जो वीडियोज है वो देखने को मिलते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अमेजोन का ये जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है इसके अंदर एलिजिबिलिटी आपको सबसे पहले जानना है, आपको खुद देखना है आप खुद एलिजिबल हो कि नहीं ये जो डिस्काउंट है इसको लेने के लिए। इसके लिए सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको आपके पास एक SBI बैंक का खाता होना चाहिए और उस बैंक का खाता अगर आपके पास रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली सारे लोगों के पास SBI बैंक का डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी रहेगा। मे बी डेबिट कार्ड रहेगा तब भी होगा, क्योंकि इस बार अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के अंदर डेबिट कार्ड पे भी 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पे अमेजोन दे रहा है। तो इस टाइम को गवाना मत, ये टाइम सबसे ज्यादा सुनहरा मौका बन जाता है टीवी को परचेस करने का। ऑफ कोर्स मैं भी परचेस करने वाला हूँ मेरे घर के लिए भी। फर्स्ट जो टीवी में सेल देखने को मिलने वाला है बहुत ही ज्यादा प्राइस कट होने वाला है इसके ऊपर भाई, मैं बात कर रहा हूँ रेडमी स्मार्ट टीवी 32 इंच वाला मॉडल। रेडमी की तरफ से ये जो टीवी आता है ये एंड्रॉयड 11 का टीवी है। जी हाँ, ये लेटेस्ट वाला मॉडल है और मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट के अंदर जो नॉर्मल इसका प्राइस रहता है 14,000 रुपया के आसपास में देखने को मिलता है, बट ये टीवी सेल के अंदर आपको 13,000 रुपया में देखने को मिल जाएगा। आपके पास अगर कार्ड है तो 10% का डिस्काउंट आप इसको लगाओगे और भी आपको यहाँ पे 10% का छूट मिलेगा। एंड इसके अंदर और एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट कंपनी दे रहा है, जी हाँ 500 रुपया का कूपन डिस्काउंट भी इसके अंदर प्रोवाइड किया है। ये चीज इस टीवी के अंदर थोड़ा सा खास बन जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो इफेक्टिव प्राइस जो इसका निकल के आता है सेल के अंदर सब कुछ डिस्काउंट लगा के 11,250 रुपया के आसपास में आपको ये टीवी देखने को मिल जा रहा है। 11,250 रुपया में अगर देखा जाए इस टीवी के अंदर आपको मिलता है बेजिललेस डिस्प्ले, पूरा फुल बेजिललेस है, आप लोग देख सकते हो। HDR का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा और यहां पे आपको Android 11 20W का स्पीकर, 1GB का RAM और 8GB का इनबिल्ट स्टोरेज भी इस टीवी के अंदर प्रोवाइड किया गया है। Android 11 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इसके अंदर आता है, तो अगर आपको 32 इंच का एक बहुत ही बेहतरीन टीवी चाहिए, एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड पे जाना चाहते हो, डेफिनेटली इस वाले टीवी को आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रहा है यार। नेक्स्ट जो टीवी आता है ये आता है रेडमी का ही और एक जो बड़ा ब्रांड है मी, उसके तरफ से। जी हाँ, मैं मी टीवी 5A सीरीज के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपको Xiaomi का टीवी चाहिए जो मी सीरीज में आता है मी टीवी 5A 32 इंच वाला, इस टीवी के ऊपर भी बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इस टीवी के अंदर भी आपको 32 इंच का स्क्रीन मिल रहा है, पूरा एकदम आपको बेजिलेस स्क्रीन मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका प्राइस भी 14,000 रुपया के आसपास में घूमता रहता है। अगर देखा जाए ये भी एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, अगर सेल में परचेस करते हो तो 10% डिस्काउंट लगा के ऊपर से 1,000 का और डिस्काउंट लगेगा। कुल मिला के इसका जो प्राइस होने वाला है 11,700 रुपया के आसपास में ये टीवी आपको सेल के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए 11,700 रुपया के आसपास में एंड्रॉइड 11 मिल तो रहा है, ऊपर में आपको इस टीवी में एक्स्ट्रा DTS सराउंड साउंड का सपोर्ट मिल रहा है, इसमें भी 20W का स्पीकर है बट यहाँ पे डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए एक बहुत ही तगड़ा टीवी है और मी के जो टीवीज आते हैं उनके पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ही अच्छे होते हैं। देखो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो जल्दी से परचेस करने का कोशिश करना, क्योंकि इस वाले टीवी का जो यहाँ पे स्टॉक है बहुत ही कम रहता है, सो इस चीज को ध्यान रखना। ज्यादातर टीवीज के जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में मैंने देके रखा है, वहां से जाके आप डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो टीवी आता है ये क्रोमा के तरफ से आता है। दोस्तों क्रोमा एक वेल नोन ब्रांड है और उनका जो लेटेस्ट स्मार्ट टीवी है 32 इंच वाला ये भी बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रहा है भाई इस वाले सेल के अंदर। अगर देखा जाए इसका जो प्राइस है ये लगभग 13,000 या फिर 12,990 रुपया के आसपास में वेरी करता रहता है, कभी कभार फ्लैक्चुएशन होता है इसके प्राइस के अंदर में। अगर आप सेल में इसको परचेस करने जाते हो तो इसमें प्राइस कट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको 10% का डिस्काउंट और भी अगर लगाते हो तो कुल मिला के इसका जो इफेक्टिव प्राइस होगा 10,100 रुपया, ऐसा करके इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा। और अगर देखा जाए 10,000 रुपया में 32 इंच का बेजिललेस टीवी, ऊपर से एंड्रॉइड 11 20W का स्पीकर और डुअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट है इसके अंदर, वही 1GB का रैम,
8GB का इंटरनल स्टोरेज। ओवरऑल अगर देखा जाए बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। सो अगर क्रोमा जैसे ब्रांड पे जाना चाहते हो हरी अप गाइस, इतना अच्छा डील आपको इसके बाद कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो ब्रांड है बहुत ही वेल नोन ब्रांड है और हम में से बहुत सारे लोग इस टीवी के लिए बहुत ही ज्यादा इंतजार करते रहते हैं। ये जो टीवी है ये एलजी की तरफ से आता है, एलजी का स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी 32 इंच वाला वेरियंट। यहाँ पर भी प्रीमियम बेजललेस डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो प्राइस रहता है थोड़ा ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि आपको पता है एलजी सैमसंग जैसे जो ब्रांड्स आते हैं उनके प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा हाई रहते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली 15,500 रुपया के आसपास में इसका जो प्राइस है वेरी करता रहता है, बट इसमें आपको सेल में बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा प्राइस के अंदर। अगर देखा जाए सेल में ये टीवी आपको मोस्ट प्रॉब्ली जो डिस्काउंट है आपको डेबिट कार्ड पे मिलेगा, ऊपर से इसमें प्राइस कार्ड भी रहेगा। कुल मिला के इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 11,700 रुपया के आसपास में। डीटीए सराउंड साउंड का सपोर्ट, 60Hz का यहाँ पे डिस्प्ले है, एलजी का विविड कलर मोड भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ये टीवी आपको एंड्रॉयड सिस्टम के साथ देखने को मिलेगा, बेजललेस डिजाइन है भाई, और एलजी का जो ब्रांड ट्रस्ट है वो भी आपको इसके साथ मिल जाएगा, वो तो यार मिलता ही रहता है। खैर अगर देखा जाए एलजी का इतना अच्छा ब्रांड वाला टीवी अगर आपको 11,700 रुपया में मिल रहा है, लूट लो भाई, इससे ज्यादा सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो, चेकआउट राइट नाउ। इसके बाद जो टीवी आता है वो भी मोस्ट डिमांडेड टीवी है, सैमसंग की तरफ से आता है, सैमसंग का वंडरटेनमेंट सीरीज का 32 इंच वाला टीवी। अगर देखा जाए इसका भी प्राइस 15,490 रुपया के आसपास में घूमता रहता है, बट सेल में अगर आप इसको लेने जाते हो बहुत ही बड़ा प्राइस कट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका भी प्राइस आपको 11,700-11,800 रुपया तक देखने को मिलने वाला है। 15,500 रुपया का एक टीवी अगर 11,700-11,800 रुपया में मिल जाए तो यार क्या ही कहना, अगर डेबिट कार्ड लगाओगे तभी मिलेगा, नहीं तो इतना बड़ा आपको प्राइस कट देखने को नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए सैमसंग की इस टीवी के अंदर थोड़ा सा मोटा बेजल्स तो मिल ही जाते हैं, बट ए प्लस ग्रेड पैनल मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया ब्राइटनेस के साथ आता है। आपको पता ही है सैमसंग के जो टीवीज होते हैं बहुत ही ब्राइट होते हैं और कलर रिचनेस इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। सैमसंग के पैनल्स वाले जो टीवी आते हैं ऑल ओवर अगर देखा जाए भाई सब टीवी से अच्छा लगता है मेरे को, पर्सनली मैं बोल रहा हूँ। ऊपर से यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा 20W वाला स्पीकर वगैरह देखने को मिल जाएगा और टीवी भी बहुत ही एक्सपेंसिव है भाई। अगर सैमसंग का टीवी मिल रहा है इतने सस्ते प्राइस में, किसके लिए रुके हो, जल्दी से जाके परचेस कर लो। लास्ट जो टीवी आता है 32 इंच सेगमेंट के अंदर जो कि सेल में बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रहा है, ये अमेजोन का खुद का ब्रांड है अमेजोन बेसिक्स नाम से। हमने अमेजोन बेसिक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इससे पहले इस्तेमाल कर लिए, मेरे पास अमेजोन बेसिक्स का ट्राईपॉड था, अमेजोन बेसिक्स का एक लाइट भी मैं यूज़ करता था। अभी फाइनली मैं डिजिटेक पे थोड़ा शिफ्ट हो गया हूँ क्योंकि वो जो ट्राईपॉड था थोड़ा सा मेरे लिए छोटा पड़ रहा था। तो अमेजोन बेसिक एक बहुत ही वेल नोन कंपनी है इसमें नो डाउट, बट इनके टीवीज भी मिलते हैं मार्केट के अंदर विच वॉज ऑलवेज गुड है। अभी तक तो देखा जाए बहुत ही लोग इसको परचेस किया है, तो इनके तरफ से एक 32 इंच वाला टीवी आता है, ये भी स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है और इसमें बिल्ट इन एलेक्सा भी देखने को मिल जाता है। इस टीवी के अंदर अगर आप देखो इसमें भी 60Hz का रिफ्रेश रेट है और भी बहुत सारे खास खास चीजें हैं। इसका जो प्राइस है 13,300 रुपया के आसपास में मिलता है अमेजोन के अंदर, नॉर्मल प्राइस बता रहा हूं, बट अगर सेल में आप इसको परचेस करते हो ह्यूज प्राइस ड्रॉप आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। लाइक 12,000 रुपया का इसमें प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है। जिनके पास कार्ड है अगर कार्ड लगाते तो ये 10,800 रुपया में आपको देखने को मिलेगा। 10,800 रुपया में आपको मिलता है 1GB RAM, 8GB का स्टोरेज, DTS सराउंड साउंड का सपोर्ट, बेजललेस 20W का स्पीकर, डिस्प्ले भी भाई बहुत ही बेजललेस है देख सकते हो, और एलेक्सा का सपोर्ट आपको मिलता है, DTS सराउंड साउंड मिलता है। ओवरऑल अगर देखा जाए मेरे ख्याल से ये भी वन ऑफ द बेस्ट टीवी हो सकता है 32 इंच के अंदर। अगर आपके मन में चल रहा है भाई ऐसे अच्छे अच्छे टीवी हमें लेना है 32 इंच में, इतना अच्छे प्राइस में मिल रहा है भाई, आप कब लोगे, क्योंकि डेबिट कार्ड वाला डिस्काउंट तो इसके बाद कोई सेल में नहीं मिलेगा। खैर ये कुछ टीवीज मिल रहे हैं अमेजोन ग्रेट इंडियन डे फेस्टिवल सेल के अंदर जो कि मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छे खासे प्राइस के अंदर मिल रहे हैं। इन सारे टीवीज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। ध्यान रहे कोई कोई टीवीज ऐसे हैं सेम नेम में बिकते हैं बट डिस्काउंट उसमें नहीं रहते हैं, तो ज्यादातर कोशिश करना डिस्क्रिप्शन में दे गया लिंक से ही परचेस करने का, क्योंकि अगर गलत टीवी को आप ऑर्डर दे बैठते हो जाके बाद में मेरे को मत कहना भाई आपने गलत चीज का है। खैर आज के वीडियो में कोई क्वेश्चन है कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो में इतना दूर तक आयो वीडियो को एक लाइक कर दो और मैं मिलता हूं आपके साथ किसी तरह लेटेस्ट सेल वाली वीडियो में बहुत ही जल्दी। आज के लिए सबका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।